हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फूड एडिटिव्स एंड प्रिजरवेटिव तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि फूड एडिटिव्स क्या होते हैं प्रिजर्वेटिवस क्या होते हैं फूड एडिटिव्स कितने टाइप्स के होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं सो लेट्स कंटिन्यू तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फूड एडिटिव्स होते क्या हैं एनी सब्सटेंस नॉट नेचुरली प्रेजेंट इन द फूड बट एडिड ड्यूरिंग इट्स प्रिपरेशन एंड विच रिमेंट इन द फिनिश प्रोडक्ट मतलब फ़ूड एडिज़ होते हैं ना जो ये हम अलग से ऐड करते हैं आपका कोई भी फूड प्रोडक्ट होता है अब उसकी प्रिपरेशन के वक्त ऐड कर सकें ताकि हमें डिज़ायर आउटकम मिल सके मतलब हम क्यों ऐड करते हैं ताकि उसका फ़्लेवर अच्छा हो सके हम उसके फूड प्रोडक्ट को प्रिजर्व कर सकें उस सके, सके, उसकी लाइफ एक्सटेंड कर सकें उसका टेस्ट इम्प्रूव कर सकें उसकी अपेरेंस इम्प्रूव कर सकें तो वो तो मैंने आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन बता दी जो कि फूड आइटिवस समझने के लिए कि फ़ूड एडिटिव होता क्या है बट हमारा जो कोडेक्स एलिमेंट्री कमीशन है उसने एक फूड एडिटिव्स की लीगल डेफिनेशन दे रखी है जो कि है एनी सब्सटेंस नॉट नॉर्मली कंज्यूम एज अ फूड बाय इट सेल्फ एंड नॉट नॉर्मली यूज एज अ टिपिकल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फूड वेदर और नॉट इट हैज़ अ न्यूट्रिटिव वैल्यू द इंटेंशनल एडिशन ऑफ विश टू फूड फॉर अ टेक्नोलॉजिकल परपज इन द मैनुफैक्चरिंग प्रोसेसिंग प्रिपरेशन ट्रीटमेंट पैकेजिंग और होल्डिंग ऑफ सच फूड रिजल्ट और मे बी रीजनली एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन इट और इट्स बाई प्रोडक्ट बिकमिंग अ कम्पोनेंट और अदरवाइज अफेक्टिंग द करेक्टरिस्टिक ऑफ सच फूड तो अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊँ तो आप समझिए एक जैसे कि आप इस्पाटन है हमारे पास वो एक स्वीटनर है ठीक है अब हम उसको नेचुरल नॉर्मली तो हम उसको कंज्यूम करते नहीं हैं ना ही हम उसको किसी इंग्रेडिएंट के लिए यूज़ करते हैं बट हम कभी कभी जो कन्वैक्शनरी होती हैं जो कैंडीज होती हैं उनकी प्रिपरेशन के वक्त हम इसको ऐड करते हैं इस्पाटम को ताकि हमें स्वीटनेस हमारी जो कैंडी की स्वीटनेस बढ़ सके तो ये क्या है एक टेक्नोलॉजिकल पर्पस है हमें क्या करना है अपनी कैंडी की स्वीटनेस बढ़ानी है तो हमने एस्पार्टम ऐड कर दिया तो ये है व्हाट इज़ फूड एडिटिव अब जो फूड एडिटिव है फूड एडिटिव से एक टर्म रिलेटेड है वो है जी आर एस ग्रास जनरली रिगार्डेड एज सेफ मतलब आपका जो भी फूड एडिटिव होना चाहिए ना वो आपका ग्रास की कैटेगरी के अंडर होना चाहिए तभी आप उसको यूज़ कर सकते हो अब ग्रास के अंडर मतलब क्या होता है इसका मतलब क्या होता है इट मीन्स दो सब्सटेंस विच हैव बीन यूज सिंस ईयर विदाउट एनी नोन एडवर्स हेल्थ इफेक्ट मतलब वो एडिटिव जो आप बहुत पहले से यूज़ कर रहे हो और उसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं हुआ अभी तक तो उसको आप ग्रास की कैटेगरी में डालते हो जैसे कि आपका साल्ट हो गया शुगर हो गया विनीगर हो गया यह बहुत पहले से यूज़ कर रहे हो आप अभी तक इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं आपको कहीं मिला नहीं है तो आप ये सारी हमारी ग्रास कैटेगरी में आते हैं जनरली रिगार्डेड एज सेफ सो so, अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ फूड एडिटिव्स तो अगर हम फूड एडिटिव को ब्रॉडली क्लासीफाइड करें तो दो तरह के होते हैं एक होते हैं डायरेक्ट और इंटेंशनल फूड एडिटिवस और दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट और अन इंटेंशनल फूड एडिटिवस अब सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट फूड एडिटिव्स क्या होते हैं अब आप ऐसे समझिए कि डायरेक्ट फूड एडिटि वो होते हैं जो हम कि इंटेंशनली ऐड करते हैं मतलब हम वो जानबूझ के ऐड कर रहे हैं ताकि हमें कुछ डिज़ायर आउटकम मिल सके तो अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल एग्ज़ाम्पल के साथ समझाता हूँ जैसे कि आपने सुना है जैनथम गम एक फ़ूड एटिव होता है इसको हम यूज़ करते हैं सेलड ड्रेसिंग में चॉकलेट मिल्क में बेकरी में टू इम्प्रूव टेक्स्चर मतलब हमने इंटेंशनली ऐड किया है जैनथम गम अपने फूड प्रोडक्ट में ताकि हम उसका टेक्स्चर इम्प्रूव कर सकें तो ये होता है डायरेक्ट और इंटेंशनल फूड एटिवस इनडायरेक्ट फूड आइटिवज़ विच गेट इंक्लूडेड इन टू फूड इंसीडेंटली ड्यूरिंग हैंडलिंग प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग अब आपको मैं एग्जांपल से बताऊँ जैसे कि आपका कोई फ़ूड होता है उसने उसमें आपने पैकेजिंग की और आपने उसको स्टोर करने के लिए रख दिया तो आपने सुना होगा कुछ जो मेट अमाउंट ऑफ पैकेजिंग मटेरियल होता है पैकेजिंग सब्सटेंस होता है वो लीच आउट हो जाता है आपके फ़ूड में तो ये आपने इंटेंशनली ऐड नहीं किया बट आपकी स्टोरेज के दौरान आप में वो अपने आप ही फूड में ऐड हो गया तो ये होता है इंटेंशनल फूड एडिटिव अब हम देखते हैं कि फूड एडिटिव बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी कौन कौन से होते हैं तो इसमें मैंने दे रखे हैं जैसे कि प्रिजर्वेटिव होते हैं फूड कलर होते हैं फूड फ्लेवर्स होते हैं फ्लेवर एनहेंसर होते हैं हाई इंटेंसिटी लो कैलोरी स्वीटनर्स होते हैं एंटी होते हैं इमर्सीफायर होते हैं एसिलडेंट्स होते हैं और एंटी केकिंग एजेंट्स होते हैं तो ये सारे अपना अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं इसको नहीं अलग अलग कैटेगरी के बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी डाल रखा है अब आगे बढ़ने से पहले आपको एक कमेटी के बारे में पता होना चाहिए जो कि है जैकफा कमेटी द जॉइंट एफ ए डब्ल्यू एच ओ एक्सपर्ट कमेटी जो कि फ़ूड आइटिवस के ऊपर है ये फॉर्म हुई थी 1956 में किसके द्वारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो इसका प्राइमरी फंक्शन है वो है टू इवेल्युएट द सेफ्टी ऑफ फूड आइटिव जो हम फूड एडिटिव यूज़ कर रहे हैं वो हमारे लिए सेफ़ है या नहीं है ये कौन बताता है जैकफा कमेटी ये आप इम्पोर्टेंट है आपको याद रखनी है तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं जैसा कि आप नाम में दे सकते हैं इसका प्राइमरी फंक्शन होता है टू प्रिजर्व द फूड मतलब हमारी जो फूड प्रोडक्ट है उसकी लाइफ को एक्सटेंड करना है इसका प्राइमरी फंक्शन होता है अब वो कैसे कर सकते हैं जो प्रिजर्वेटिव के अंडर दो चीज़ आती हैं एक होता है एंटी माइक्रोबियल्स और दूसरे होते हैं एंटी ऑक्सीडेंट एंटी माइक्रोबियल का फंक्शन होता है टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो एंटी का होता है उसका होता है टू तो अवॉइड रेंसिडिटी ऑक्सीडेशन क्योंकि ये दोनों ही हमारे जो पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट की होती है लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं कम कर सकते हैं तो हम ये यूज़ करते हैं प्रिजर्वेटिव ताकि इनकी लाइफ एक्सटेंड हो सके अब कौन कौन से फूड प्रोडक्ट में यूज़ कर सकते हैं हम ये यूज़ करते हैं सॉसेज़ में जेलिस में बिवरेज़ में बेक्ड गुड्स में क्योर मीट को क्योर करने में ड्रेसिंग में स्नैक फूड्स में फ्रूट एंड वेजिटेबल में तो प्रिजर्वेटिव के बहुत ही बड़ा अलग से एक टॉपिक है इसमें मैं एक अलग से प्रेजेंटेशन बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि प्रिजर्वेटिव कितने टाइप्स के होते हैं प्रिजर्वेटिव कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं इसके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं ये एक अलग ही ब्रॉड टॉपिक है ये मैं अलग से आपको एक प्रेजेंटेशन में समझाऊँगा अब मैं एग्ज़ाम्पल बताऊँ प्रिजर्वेटिव के तो होते हैं एस्कॉर्बिक एसिड सिट्रिक एसिड सोडियम मैनजुएड बुटाइल हाइड्रोक्सी टोल्यून बुटायल हाइड्रोक्सी एनिसोल टोकोफिरोल ये सारे एग्जाम्पल होते हैं प्रिजर्वेटिव के अब हम देखते हैं कि स्वीटनर्स क्या होते हैं ठीक है तो स्वीटनर्स का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो होता है टू ऐड स्वीटनेस विद और विदाउट द एक्स्ट्रा कैलोरी मतलब इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो होता है हमारे जो पर्टिकुलर फूड आइटम या फूड प्रोडक्ट में स्वीटनेस देना मिठास देना ये इसका प्राइमरी फंक्शन होता है अब कहाँ कहाँ यूज़ होता है बिवरेजेज में यूज होता है जैसे कि आपने देखा होगा फेंटा फेंटा में अलग से स्वीटनेस ऐड करते हैं ताकि वो मीठा हो सके वैसे ही कन्फेक्शनरीज में चुविंगम में हो गया आपका टॉफ़ीज़ में हो गया एंड मैनी मोर प्रोसेस फूड में अब जैसे एग्जाम्पल हो गया शुक्रोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज सॉर्बिटोल मैनीटोल एस्पार्टन, सेचिन अब आता है कलर एडिटिव तो इसका जो फंक्शन होता है वो होता है टू इम्पार्ट प्रिजर्व और एनहेंस द कलर ऑफ द फूड ठीक है इसका प्राइमरी फंक्शन होता है कि कलर ऐड करना है या फिर उसको एनहांस करना है या फिर जो कलर है उसको प्रिजर्व करना अब मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे कि आपने देखा होगा कैंडीज़ अलग अलग कलर की होती हैं तो उसमें हम कलर ही ऐड करते हैं ताकि वो डिफरेंट कलर की हो सकें ठीक है वैसे ही हमने अपने जैम और जेलीज में हम कभी कभी कलर ऐड करते हैं ताकि उसको एक अच्छा सा कलर दे सकें वैसे ही आपने सुना होगा कि ग्रेवीज़ में कलर ऐड करते हैं ताकि वो डार्क दिख सके तो ये सब कलरेंट होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं ताकि हमें दिखने में आपका प्रोडक्ट अच्छा लगे अब एग्जाम्पल है जैसे कि आपका हो गया एफ डी एन सी ब्लू एफ डी एन सी ग्रीन एफ डी एन सी रेड एफ डी एन सी येल्लो वैसे ही बीटा कैरेटिन हो गए ग्रेप स्किन एक्सट्रैक्ट हो गया कैरमल हो गया, गया सेफ्रन हो गया ये सारे अलग अलग कलर एडिटर्स हैं जो हम की अपनी फूड इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं एफ डी एन सी येलो फाइव और सिक्स के कॉमन नाम होते हैं टाट्राजिन और सनसेट येलो अब आता है हमारा फ्लेवर एनहेंसर फ्लेवर एनहेंसर क्या काम होता है फ्लेवर एनहेंसर का काम होता है कि आपका पर्टिकुलर फ्लेवर को इंटेंसिफाई कर दे ठीक है आपके फूड प्रोडक्ट में अब जैसे मैं एग्जांपल लूँ मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो कि पाया जाता है रेस्टोरेंट फूड में सूस में चिप्स में सेलड रसी में ये हम यूज़ करते हैं टू तो एनहेंस द फ्लेवर अब आते हैं हम इमल्सीफायर क्या होते हैं इमल्सीफायर का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो होता है हमें स्मूथ मिक्सिंग प्रोवाइड करना ठीक है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना प्रिवेंट सेपरेशन ऑफ ऑयल एंड वाटर इंटू टू लेयर्स ठीक है टेक्सचर को इम्प्रूव करना आपका स्टिकनेस को कम करना और ताकि आपका जो पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स है वो अच्छे से मिक्स हो के हो सके ये काम किसका होता है इमल्सीफायर का अब इमल्सीफायर कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं इमल्सिफायर हम यूज़ करते हैं पीनट बटर में आइसक्रीम में बिस्किट एंड टॉफ़ीज़ में केक्स में ब्रेड में चुंगम में और एग्ज़ाम्पल क्या है एमल्सिफायर के सोयालिसथिन मोनो एंड डाइग्लिसराइड्स एग्योक्स सॉर्बिटन मोनोस्टीरेट ये सारे एग्ज़ाम्पल हैं इमल्सिफायर के अब हम देखते हैं पीएच कंट्रोल एजेंट्स एंड एसिडेंट्स क्या होते हैं तो इनका जो फंक्शन होता है वो होता है टू कंट्रोल एसिडिटी एंड एल्के्केटी अगर आपको पीएच कम चाहिए तो आप एसिड ऐड करते हो आपको ज़्यादा चाहिए तो आप बेस ऐड करते हो ठीक है और यही चीज़ हेल्प करती है आपका स्पॉयलेस से बचने के लिए अब जैसे कि आपने सुना होगा कि हम पिक्कल में एसिडिक एसिड acid डालते हैं विनीगर क्यों डालते हैं ताकि उसका पीएच कम हो सके और स्पॉइलिस से हम उसे बचा सकें ठीक है तो अभी कहाँ कहाँ यूज़ होता है आपके बीवरेज में हो गया फ्रोजन प्रोडक्ट में हो गया डेजर्ट्स में हो गया ठीक है चॉकलेट हो गया लो एसिड कैन फूड जिसमें आपका ये आ जाता है अचार, पिक्कल्स बेकिंग पाउडर में अब कौन कौन से पी कंट्रोल एजेंट्स होते हैं लैक्टिक एसिड सिट्रिक एसिड एमोनियम हाइड्रोक्साइड एसिटिक एसिड विनीगर ये सारे आपको एग्जाम्पल हैं पीएच कंट्रोल एजेंट्स के अब आते हैं हम लीवनिंग एजेंट में लिविनिंग एजेंट क्या होते हैं ठीक है थेके? इनका फंक्शन होता है तो प्रमोट राइजिंग ऑफ बेक फूड अब आपने देखा होगा जैसे कि ब्रेड हो गया आपका केक हो गया थोड़ा फ्लफ़ी सा होता है ठीक है इसका इसके अंदर पोर्स होते हैं बहुत फ्लफ़ी सा वो होता है इसका शेप तो ये क्यों होता है लिविनिंग एजेंट की वजह से होता है अब लिविंग एजेंट हम बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं और इसका एग्जाम्पल हो गया आपका बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर यीस्ट मोनोकैल्शियम फॉस्फेट कैल्शियम कार्बोनेट अब आते हैं हम होमेक्टेंट्स में होमेक्टेंट्स क्या होते हैं इनका जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो होता है टू रिटेन मॉइस्चर ठीक है जो हमारे फूड प्रोडक्ट में ये मॉइस्चर को रोके रखते हैं ठीक है ताकि हमारा जो फूड प्रोडक्ट है वो सूख ना जाए अब हम कहां यूज ये कहाँ यूज़ होते हैं ये यूज़ होते हैं मार्श में सॉफ्ट कैंडीज़ में कन्फैक्शरी में अब कन्फैक्शरीज में जैसे कि एक और काम होता है ये जो हमारे कन्फैक्शरी में जो शुगर होता है ना उसको क्रिस्टलाइज होने से भी बचाता है अब जो इनके एग्जाम्पल हो गए एग्जाम्पल क्या क्या हो गया ग्लिसरिन हो गया सॉर्बिटॉल हो गया ये सब मॉइस्चर रिटेन करते हैं सो so ये था कि फूड एडिटिव्स क्या होते हैं फूड एडिटिव्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं और किस वे में हम उसे यूज़ करते हैं तो so आज के लिए इतना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो